स्पीकिंग, दैट्स मी स्पीकिंग। मैंने पहचाना नहीं। वैसे पुराने दोस्त और गुजरे हुए वक्त को याद रखना चाहिए। प्लीज, मेरे पास वक्त बहुत कम है। पर मेरे पास कस्टम ऑफिसर शेरदिल के लिए बहुत वक्त है। मेरी आवाज पहचान, माजी का दरवाजा खोल, यादों की एल्बम देख। यादों की एल्बम? हाँ, याद कर। डिग्री कॉलेज का हॉस्टल, प्रोफेसर अजीम की बेटी का रेप, शेरदिल का आके उसको बचाना और मेरा आके उसको समझाना। ओ यार राजा, तू जलील कबीर है, तू जिंदा है? देख ले यार, ने यार को ढूंढ लिया। अब ऐसे कर, फौरन अली पैलेस आ जा। अली पैलेस? अच्छा अच्छा, ओके ओके, बाय। हा हा हा।
वही कटकाट जिस्म का वही नाप। वक्त ने तेरी कोई तराश खराश नहीं की, बदला तू भी बिल्कुल नहीं। लगता है अपनी जिंदगी के अंदर ना किसी ने तुझे रोका है न थका है, बस दौड़ता ही रहा है। जिंदगी नाम ही एक दौड़ का है। कुछ लोग अपनी सफेद वर्दी को अपनी कुल कायनात समझ कर रुक जाते हैं, जैसे तेरी ये सफेद वर्दी जिसपे काले धंधे की काली सड़कों पर काली कारों में बैठने वाले काली छींटे डाल के पीछे मुड़ के भी नहीं देखते होंगे। जानता है कि कफन का रंग सफेद क्यों होता है? इसलिए कि इंसान अपनी सारी कालक इसके बीच में लपेट कर अपने साथ ले जाए। खुदा का बड़ा शुक्र है कि मेरा अंदर बाहर दोनों सफेद हैं। सच्चाई ने तुझे काफी तेज धार खंजर बना दिया है। गर्दन दोस्त की हो भले दुश्मन की, तुझसे कोई भी सलामत नहीं। बैठ। तुझे तो मुझसे कोई खतरा नहीं होना चाहिए। दौलतमंद होना जुर्म नहीं। अगर तेरा जमीर रात को पिछले पहर तुझे शीशा देखने का मशवरा न देता हो। वैसे तू मेरा एक मशवरा मान। सच्चाई के जिस शीश महल में तू रह रहा है उसे तोड़ दे। झूठ के सौदागर उसी शीश महल को सच्चे इंसान के लिए उसका मकबरा बना देते हैं। खुद शीश महल में रहकर मुझे शीश महल तोड़ने का मशवरा दे रहा है। तेरी जिंदगी में कोई मिलावट तो नहीं हो गई? ये दौर, ये समाज, ये जमाना, दुख में मिलावट, सुख में मिलावट, गुर्बत में मिलावट, दौलत में मिलावट, दुश्मनी में मिलावट, दोस्ती में भी मिलावट। हाँ हाँ, जिंदगी बस मिलावट बन के रह गई है। खालिस जायका है तो सिर्फ मौत का। कहना ये चाहता हूं कि जिंदगी नाम है सिर्फ दौलत के चबूतरे पे खड़े होके जोर जोर से हंसने का। कलम की स्याही सिर्फ अपने हाथ काले करती है, सफेद पोशों के घरों के अंधेरे दूर नहीं करती। सच्चाई की लाश बेकफन रहती है और झूठ का गोरकन उसे दफना रहा होता है। नहीं दफन करना पड़ता सच्चाई की पाकीज़ा लाश को, उसे कफन की कोई जरूरत नहीं, उसे कब्र की कोई जरूरत नहीं। मुझे एक बात तो बता, सच्चे ईसा की लाश को किसने दफन किया था? बोल। शेरदिल जा तो रहा है पर एक बात फिर सुनता जा। अगर जिंदगी की कोई काली रात तेरे घर की रोशनी निगल ले, सच्चाई का सांप तेरे दिल पे डस जाए, तो मेरे घर के दरवाजे पे बगैर दस्तक के आ जाना। मिस्टर, मैं तुम्हारा ब्रीफकेस चेक करना चाहता हूं। व्हाई नॉट, प्लीज। Thank you.
देख लो इंस्पेक्टर, मैंने कागज की सिर्फ दो हड्डियां फेंकी हैं और कुत्तों का एक हजूम उनकी चीर फाड़ करने आ गया। शायद इन ही दुम हिलाने वाले कुत्तों ने तेरे हौसले की दीवार को आसमान तक खड़ा कर दिया है और तुझे इस नशे का आदि बना दिया है। ये नशा भी तुम्हारा लगाया हुआ है, शायद तुम नहीं जानते इंस्पेक्टर, पुराने नशे जल्दी नहीं छूटते। शायद तू रेलगाड़ी का मुसाफिर है जो एक अंधेरी सुरंग में जाकर रुक गई है और तूने उस अंधेरे को अपनी जिंदगी समझ लिया है। अगर तुम मुझे आज कोई नई रोशनी दिखाने आ गए हो तो सुरंग सोने की बना के तुझे भी अंधेरे में भेजा जा सकता है। कब्र फिर कब्र होती है, वो कब्र चाहे मिट्टी में से तैयार की जाए या सोने के ढेर में दफन किया जाए। इंस्पेक्टर, कभी गुब्बारे की जिंदगी को गौर से देखा होगा, जब तक उसमें हवा होती है आसमान को छूने की कोशिश करता है, लेकिन हवा खत्म होते ही एक बेजान परिंदे की तरह जमीन पे आ गिरता है। तो फिर मेरी बात जरा गौर से सुन। रीछ एक जंगल का खौफनाक दरिंदा होता है, पर जिस वक्त नाक में नकेल पहना दी जाए तो वो मदारी की डुगडुगी की थाप पे नाचता है, जैसे मेरे हाथ आया हुआ मुजरिम मेरे इशारों पे नाचता है। तेरे इस थप्पड़ की आवाज बादल की इस गरज से कितनी छोटी है। याद रख इंस्पेक्टर, तेरी जिंदगी में एक ऐसी बिजली गरजेगी, एक ऐसा तूफान आएगा, तू सारी जिंदगी खून के आंसू रोता रहेगा, खून के आंसू रोता रहेगा। सर, ये है शेर दिल का घर। घर में है? जी नहीं, वो घर नहीं है। वेरी गुड, होना भी नहीं चाहिए था। जी मैं आई कमिंग नथिंग नो लिफ्ट, मेरा मतलब है मैं अंदर आ सकता हूं? प्लीज आप यहां से बाहर चले जाएं। ओके ओके, कोई रोके न रोके बट ओके। शिकार देखकर भूख लग गई है, नरम नरम होंठ देखकर प्यास भी लग गई है, और ये तूफानी रात देखकर दोनों ने जोर पकड़ लिया है। तुझे तेरे खावन शेर दिल का वास्ता, मेरी झोली में अपनी इज्जत की खराश डाल दे। Yeah.
सीने में मौत का खंजर किसने मारा है? रूबी, रूबी! पे किसी के किए हुए जुल्म के निशान, हाथ में किसी अपने के सीने से निकला हुआ खंजर, आंखों में किसी प्यारे की लाश पे निकलने वाले खून के आंसू। यकीन से कह सकता हूं कि आज किसी झूठ के सौदागर ने किसी सच्चे इंसान के शीश महल को उसका मकबरा बना दिया है। तू इस दुनिया का, इस मुल्क का, इस शहर का पहला इंसान नहीं है जिस पे झूठ की बिजली गिरी है। मेरी जिंदगी की दूरबीन तुझ जैसे हजारों इंसानों के बनाए हुए मोम के घोंसले पिघलते देख चुकी है। शर्माना ना कि आज सच की लाश बेगौर कफन कर दी गई। घबराना ना कि आज झूठ का गोरकन सच की एक कब्र का और इजाफा कर गया है। सफेद फूल शायद खुदा ने बनाए ही इसलिए थे कि अच्छे लोगों की कब्रों पे डाले जाए। हौसले और सब्र का जो आखिरी तिनका तेरे हाथ में है उसे तोड़ना देना। मुझे जिंदगी में उन मजलूमों से बड़ी मोहब्बत है जिनके हाथ में एक दिन इंतकाम की तलवार हो और वो अपनी जिंदगी के कातिल को सैक सैक के मार रहे हो। नहीं, सैक सैक के जीऊंगा मैं, सिसका सिसका कर मार दूंगा। कफन बनने वाली इस वर्दी का जवाब लूंगा, अपने दिल के हर जख्म का हिसाब लूंगा मैं। झूठ की जाय नमाज पर बैठ के रियाकारी की नमाज पढ़ने वालों का सर काट दूंगा मैं, इसलिए कि मेरा अकीदा, मेरा ईमान, मेरा कुरान एक खुदा के बाद दूसरे खुदा को नहीं मानता, नहीं मानता, नहीं मानता। मैं कल के रोशन सूरज के चेहरे पे तेरा नाम देख रहा हूं शेरदिल। इंतकाम के जिस बेलगाम घोड़े पे बैठ के तुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना है वो सफर बहुत लंबा है। फेंक दे लोहे का ये बेकार हथियार, तुझे उस असले की जरूरत है जिसे देख के तेरे रास्ते में आने वाले खतरे भी डर जाएं। उस रफ्तार की जरूरत है कि तूफान भी तेरा चेहरा देखते रह जाएं।
ये सोने रब, तेरी तू ही बेहतर जानता है। वेलकम टू द होमलैंड। एवरीथिंग इज ओके कोबरा। इंस्पेक्टर शेर दिल हमें मौत बन के ढूंढ रहा है। ये तो अच्छा हुआ तुम यूरोप चले गए और मैंने खान बाबा की हवेली में पनाह ले ली, नहीं तो शेर दिल इज नो प्रॉब्लम फॉर मी। तू खान बाबा का सुना, वो जिंदा है कि मर खप गया है? वो जिंदा है। वाह कमाल हो गया। खान बाबा तू अभी जिंदा है, लेकिन मैंने तो तेरे लिए मौत की दुआ मांगी थी। खान बाबा, खान बाबा, बाबा की जगह तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं यह जरूर चाहूंगा कि तुम्हारे कच्चे मकानों की बजाय पक्के मकान हो, तुम्हारे जिस्म पर यह गंदे और बदबूदार लिबास नहीं, अच्छे और खूबसूरत लिबास हो। तुम्हारे आने वाले कल के बच्चे मुजाहरे नहीं मालिक हो, मालिक। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी मोहब्बत का साया बनकर मेरे साथ साथ चलना पड़ेगा। फिर तुम लोग देखोगे कि तुम्हारी जमीन के सीने पर अनाज नहीं सोना पैदा होगा, सोना। अनाज सिर्फ पेट की भूख मिटाता है, गरीब की प्यास नहीं बुझाता, लेकिन दोस्त भूख भी मिटा देता है और प्यास भी बुझा देता है। इसीलिए कल का सूरज इस जागीर के अंदर अनाज का नहीं दोस्त का बीज देखेगा। Oh!
बनाई। ओस्त नहीं, गंदम। गंदम! और याद रखना, जो दौलत के लिए हुक्म के गुलाम बन के सर झुकाएंगे वो सर उड़ा दूंगा और काट दूंगा वो हाथ जो पोस्त का ये जहर लेकर हमारी धरती मां के सीने की तरफ पड़ेंगे। काट दूंगा वो हाथ। कोबरा, ये नाम हैदर है, पोस्ट स्टेट का मैनेजर है और खान बाबा का वफादार है। खान बाबा का वफादार, टाइगर के लिए बेकार। हैदर, वेरी गुड, शाबाश। सच्चा भी है और भूल का दोस्त भी, और मुझे अच्छा भी लगा है। अब जो तेरी जबान बोलेगी ना वही काश्त होगा, और ये के तुझे इस बहादुरी का इनाम भी जरूर मिलेगा। कुर्बान। बदी को मिटाना और नेकी को फैलाना, होली क्रिस्ट ने भी यही कहा है। गॉड ब्लेस यू माय सन, हम तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू। ऐ मेरे रब्बुल इज्जत, तमाम मुसलमानों को इसी तरह नेक कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। पीछे हट जाओ हैदर। जिंदगी बड़ी प्यारी चीज है हैदर। जिंदगी सच, मौत पर हक। तुम्हें जुल्म से रोकना मेरा हक। और हक की तस्वीर तू पर, और हमें इस धरती से सोना पैदा करने दे। जालिमों, ये सोना नहीं जहर, वो जहर जो जमीन से पल के बाहर आया तो फिर तुम्हारे हमारे बच्चे ही नहीं, पूरी कौम अपाहिज हो जाएगी, बेमौत मर जाएगी। शैतान नहीं इंसान बनो, हैवान नहीं किसान बनो, गैरतमंद किसान। याद रखो, जाने वाला वक्त और आने वाली तारीख तुम्हें मुल्क का दुश्मन और कौम का कातिल कहेगी। कातिल, कातिल तो जरूर बनेंगे, सिर्फ तेरे अकेले के। मैं अकेला तो मेरा वारिस अल्लाह, और फिर अल्लाह अल्लाह। Thank you.
दाल रे हैदर हे तुझे हकीर कर देगी, ये तुझे यतीम कर चुकी है। दाल दुर्रे मारेगी तुझे, रे रहने नहीं देगी तुझे इस दुनिया पे। जब मैंने तेरी भेजी हुई गोली तेरे शैतान दिल पे मारी तो फिर तेरे अंदर का मुसलमान आप ही कहेगा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कोबरा पिस्तौल में सिर्फ 6 ही गोलियां होती हैं। तुम? मेरे पास 11 गोलियों वाला पिस्तौल है। मेरा जुर्म क्या है? जिस वक्त शैतान को दोजख की आग का सेंक मिलेगा तो वो उस वक्त यही कहेगा कि जुर्म बड़ा पुराना था। तू समझते है कि तेरी बीवी का कातिल मैं हूँ? अभी तो तेरे दिल में सुराख नहीं किया और तेरे दिल ने दिल के अंदर ही धड़कना शुरू कर दिया है। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, तेरे जैसे लोग अल्लाह को मानते ही इसलिए हैं कि अल्लाह की झूठी कसमें खा सकें। कहने को मुसलमान और दिल के अंदर शैतान ही शैतान। मैं शैतान नहीं हूं। अब कुरान की कसम ना उठाना। अगर जानता है तो मुझे इतना बता दे कि मेरी बीवी का कातिल कौन है। ब्लैक टाइगर, जो मेरी बहन और तेरी बीवी का कातिल है। अगर ये सच है तो फिर तेरा और मेरा सफर साझा है। आ मेरे साथ। Allahu, 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 Allahu.
तेरी अखियों का पहला पहला ख्वाब है। जिंदगी अधूरी है मेरी बिन तेरे, चाहे तुझे दिल मेरा। चाहे तुझे दिल मेरा शाम सवेरे, मौत का फरिश्ता बन के पहुंच गया सलमा। तू रीमा को लेकर यहां से चली जा, चली जा यहां से। जैसा बेगैरत हो तो इज्जत बचाने के लिए भीख जिंदगी की नहीं कब्र मौत की कबूल की जाती है। हमारे जबर के हाथों से बचोगी तो फिर देखेंगे। शब्द हमेशा जबर की सूली चढ़ा है। तू जबर की तदा कर, शब्द की मैं इंतहा कर दूंगी। तो फिर देख, आज हमारे जबर के मैदान में तू अपना सबर आजमा, बना अपने रब को। बैग से लेकर टिकट गिनने लगा हूं, आगे तेरी मर्जी। Thank you.
और खून की इस बरसात में तू रहमत का फरिश्ता है। मैं तो इंसान हूँ बेटा, रहमत तो सोने रब का नाम है। अम्मी 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 अम्मी। तेरी माँ को मारने वाले कौन है बेटा? जिन्होंने मेरे बाप को मारा था। तेरे बाप को? इस जगीर के मालिक ने मेरे बाप को कुत्तों से मरवाया था। ایمان والو، تم پر قصاص فرض کیا جاتا ہے، یعنی قتل ہو جانے والوں کے بارے میں، کہ اگر مقتول کے وارث اپنی رضامندی اور خوشی سے قاتل کو معاف کر دیں تو تمہارے پروردگار کی طرف سے اس کے لیے بڑا انعام ہوگا۔ اجنبی، کہانی میری ہے، تجھے کیوں پسینہ آ گیا؟ یہ پسینہ نہیں، میرے دل کا خون ہے جو پچھتاوے کا رنگ بن کے میرے چہرے پر آیا ہے۔ تو میری بیٹی بن کر میرے ساتھ چلے گی؟ ہاں چلوں گی، جب اس زمین کی مٹی سے پوس کا زہر ختم ہو جائے گا۔ تو پھر تیرے باپ کا یہ فرض میں پورا کروں گا بیٹے، میں پورا کروں گا۔ دولت کو دیکھ کے ظلم کے آگے سر چکانا حق سے عداوت اور سچ سے بغاوت ہے، مگر ظلم کو مٹانا قرآن کا حکم اور رسول کا فرمان ہے۔ آج کے بعد تم میں سے کسی نے بھی ان زمینوں میں پوست بونے کی کوشش کی تو میں اس کے بچے مار دوں گا۔ یہ نہ پکڑو دولت۔ اے رب ذوالجلال، اپنے اس بندے کو جس نے ظلم اور برائی ختم کرنے کے لیے اپنی زندگی دعا پہ لگا دی ہے، لمبی زندگی عطا کرنا مولا، یہ انداتا ہے۔ او ہولی کرائسٹ، خداوند کے عظیم بیٹے، اس انسان کو ظلم کی ہر صلیب سے بچانا۔ یو آر گریٹ مائی سن، گاڈ بلیس یو مائی سن، یو آر اے گاڈ فادر۔ اجنبی، اگر تیرا نام گاڈ فادر ہے تو بڑا پیارا نام ہے۔ گاڈ فادر؟ بیٹی تو ابھی تک جاگ رہی ہے؟ نیند تو آپ کو بھی نہیں آ رہی گاڈ فادر، پر میں تو تیرے سونے کا انتظار کر رہا تھا۔
मैं आपको देखकर जाग रही हूँ। बेटी, उन जालिमों को ये नहीं पता था गॉडफादर, जब तक मेरा अबू मुझे लोरी नहीं देता था मुझे नींद नहीं आती थी। बेटी, मैं तुझे लोरी जरूर सुनाऊंगा और उस वक्त तक सुनाता रहूंगा जब तक तुझे लोरी के बगैर नींद नहीं आ जाती। तूने मेरी जिंदगी की बदली है राहें, देख के तुझे मेरी चलती है सांसें। तूने मेरी जिंदगी की बदली है राहें, देख के तुझे मेरी चलती है सांसें। अभी मैंने तेरे बड़े कर्ज चुकाने हैं, अभी मैंने तेरे पड़े कर्ज चुकाने हैं। किसी ने जो देखे थे वो ख्वाब सजाने हैं। मैं हूँ बुत एक मिट्टी का, मैं हूँ बुत एक मिट्टी का, और तू है मेरी रूह अल्लाह 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 अल्लाह। क्यों तैयार है। आज मैं बाजी को जरूर बता के रहूंगा कि तेरी आंख मारने की आदत मुझे यकीनन जलील ख्वार करेगी। ये आंख तो सिर्फ तुझे देखने के लिए इस दुनिया में खोली है, मगर ये आंख मार के तेरे महकमे के जमीन फरोश का इम्तिहान लेती हूँ। क्या मैं जमीन फरोश? नहीं 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 कलम फरोश कहीं की। बाजी, बाजी, बाजी। ओहो, क्या हो गया? लगता है आज फिर एक सहाफी और कानून का झगड़ा हो गया है। बाजी, इस पेंडू को समझाएं, इसे समझाएं कि एमए पास सहाफी इस शहर की बतिया देखने आई है। बतिया ही तो देखने आई हो, और क्या करने आई हो? एमए पास करने से कोई अकलमंद नहीं हो जाता। सुन जबरान, फरमाइए। तुम्हें कितनी दफा कहा है ये मेरे चचा की बेटी बाद में, पहले मेरी बहन। इसका मतलब ये तो नहीं कि ये पेंडू? फिर तूने मुझे पेंडू कहा? जबरान, हामिद मेरा भी मरा है और माँ बाप इसके भी मर चुके हैं, लेकिन याद रख, तुझे तेरी मंजिल पर पहुँचाने वाली यही है। किस कदर खुशफहमी है, मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचाएगी ये पेंडू। जुबान पे कंट्रोल कर, हम पेंडू ही अच्छे हैं, शहरियों की तरह बेदीद नहीं। वैसे तेरी आंख भी तो बिल्ली है, और बिल्ली आंख वाला बंदा होते बेदीद है। आंख मारी, फिर आंख मारी। बाजी देखो, चुप कर मानो बिल्ली,
मैं तेरे हाथों में चूड़ियां नहीं तेरी जबान पर चूड़ियां चढ़ा दूंगी। सुना पाजी, फिर शर्म दिलाने वाली बातें करती हो, फोबी चूड़ियां चढ़ाने की। Thank you.
प्रिंस। ओ प्रिंसिपल के बच्चे, आई एम सन ऑफ ब्लैक टाइगर। ओ इसका मतलब है सन ऑफ बुल डॉग। आयुष रईसों के इन बिगड़े हुए बेगैर बेटों को अपने कानून के बेले में बेल कर इनका गंदा खून निचोड़ दे, जो शरीफों की पाक दामन बेटियों को अपने हाथों का खिलौना बनाना चाहते हैं। एक बात और भी सुन लो डिप्टी, इनको छुड़ाने के लिए तुझसे दौलत वाले फरमाइशें करेंगे, ताकत वाले हुक्म भी देंगे, पर कसम है तुझे अपनी मां की, इस वर्दी की इज्जत को अपनी मां की तरह करना। इस दुनिया में सिर्फ मां ही है जिसका आज तक कोई सौदा नहीं कर सका। तुम्हारे चेहरे कह रहे हैं कि जाने वाला सच कह गया, तुम्हारी रगों में वाकई बेगैरती का खून दौड़ रहा है। फोन दौलत का है या ताकत का? हेलो डिप्टी जिब्रान। डिप्टी, जवानी में अक्सर बच्चे शरारतें करते हैं, तू उनको सिर्फ वार्निंग देके छोड़ दे डिप्टी, और अगर उनको दौलतमंद होंगे बच्चे समझकर दौलत के लिए पकड़ा है तो ये तुझे दौलत का बहरी जहाज खरीद कर देंगे। आईजी साहब, दौलत के जिस बहरी जहाज पर बैठकर आप मुझे हुक्म दे रहे हैं वो बहुत जल्द डूब जाएगा। मेरे हुक्म से मजाक? इसका अंजाम जानता हूं, नौकरी से मुअत्तली हैं? मैं इंसाफ की अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा, जहां पर तुम जैसे कई आईजी फकीर बनकर खड़े होते हैं। माफ कर देना राजा साहब, अदालतें तो बादशाहों को फांसी लगा देती हैं, मैं तो एक मामूली आईजी हूं। सर, रीमा के कॉलेज से प्रिंसिपल सेवा आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके रुतबे और मर्तबे ने ये चांद कदम चलने की तकलीफ क्यों की है?
میں قدم بوسی کے لیے خود حاضر ہو رہا تھا. واقعی گاڈ فادر آپ جیسے فرشتے کو ہونا چاہیے. میں تو ابھی تک مکمل انسان نہیں بن سکا. آپ فرشتہ کہہ رہی ہیں؟ کل ہمارے کالج میں معذور بچوں کی امداد کے لیے ایک چیریٹی شو ہو رہا ہے. آپ کی دریا دلی کے لیے 50 ٹکٹس رکھی ہیں. صرف 50 ٹکٹ؟ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں اپنے ٹیکسی سے کہہ دوں گا کہ وہ پورے حال کی ٹکٹیں خرید کر پیسے آپ کو پہنچا دے. شکریہ کا لفظ آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بہت چھوٹا لفظ ہے. ہاں ایک اجازت دیں, ریما بیٹی ہمارے فنکشن میں حصہ لے سکے. میرا بیٹا بھی حصہ لے رہا ہے. اس کو میری اجازت کی ضرورت نہیں, وہ آپ کے حکم کی پابند ہے. اور ہاں ایک ریکویسٹ آپ سے اور ہے کہ آپ ہمارے فنکشن میں چیف گیسٹ بن کے حصہ لیں. اس کے واسطے میں آپ سے معافی چاہوں گا, اس لیے کہ زندگی ایک منٹ کی بھی فرصت نہیں دے رہی ہے. کوئی بات نہیں, آپ کا نہ آنا بھی ہم آنا ہی سمجھیں گے. خدا حافظ. خدا آپ کے اس فنکشن کو روشنی اور خوشیوں کی برسات بنا دے. اپنے رنگلے میں مشکل
आसमानों की बुक्कल में रहने वाले रब साथ हैं ऊपर और साथ हैं नीचे। मैं तो दरमियान में ही फंस गया हूं ना। तेरे पैगंबर 1,24,000, तेरा शेर मुश्किल कुशाली और नबी आखिरुज़्ज़मां मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस महबूब का आशिक बन के तूने सारी कायनात बनाई है मालिक, मेरे हाथों होने वाले उस कत्ल का गुनाह इस नीले पानी के समंदर की तरह इसी तरह धो डाल, जिस तरह इस जग के गुनाहों को धोते धोते तेरे समंदर का पानी आज तक पाक है। अपने हबीब के सदके मेरे गुनाहों को धो दे मेरे मालिक, धो दे मेरे मालिक, दो दे मेरे मालिक, दो दे मेरे मालिक, दो दे। अबे ये क्या हो गया रे, हमारा खाना खराब हो गया, बेड़ा गर्क हो गया हमारा। अब्बा जान आपका क्या, आप तो चवी खा के भी गुजारा कर लेंगे। हाय मैं मर गई, अभी तो शाम को जाके अब्बा जी को खुरियां भी लगवानी थी। खुरियां लगवाने से बेहतर है कि अब्बा जी को फांसी लगवा दें। चुप करो। अबे यहाँ बेड़ा गर्क हो गया है और तुम लोग मजाक में लगे हो। ये ठीक है कि पहले हम भंड थे मगर अब हम ताजर हैं। वो देखो हर एक चीज टके शेर बिक रही है। अब्बा जी आधी कीमत पर मुझे भी यही बेच दो। बकवास बंद कर जलील, तुम्हारा रवाज खत्म हो गया है। मर गया। चलो ब्लैक टाइगर की तरफ चलते है। यू फॉलो मी। अब्बा जान मुंह का कुछ कर ले, मौसम कच्चा पक्का आ रहा है। भाई अरे असल बात बताओ, हुआ क्या है? ये तुम्हारे हालात किसने बना दिए? आई हम तमाशबीनों को हुसन के हीरे पेश कर करके कखपति से लाखपति हुए, मगर आज कखपति होके तुम्हारे पास आए हैं। थोड़ी सी दूध पत्ती तो मंगवाओ, हम बर्तन भी लेके आए हैं। इसको हाथ ना लगाना, ये टपकता है। आई अबे चुप करो कुत्ते के बच्चो। अच्छा बाजान असल बात तो बताने दो कि हमारे साथ क्या क्या नहीं हुआ। अबे देख चोटी वाले,
तुमने हमें कहा कि माल स्टॉक कर लो, हमने माल स्टॉक कर लिया, वही माल बाजार में टके शेर बिक रहा है और वो गरीबों में मुफ्त बांटा जा रहा है। लेकिन वो गरीबों का हमदर्द है कौन? उसका नाम है गॉडफादर। गॉडफादर? हमसे बड़ा गॉडफादर कौन हो सकता है? बात ये है गॉडफादर के हमारी, आप भी तो कुछ बोलिए ना। हाँ वो अपना, मैं समझ गई, आप अपनी मंगनी का कार्ड लेके आए हैं ना। एग्जैक्टली राइट यू आर। हाँ आप वक्त पर आइएगा, अगर हम वक्त से पहले आ जाएं तो हम उसे भी देर समझ लेंगे। जनाब हम आपकी मंगनी का जश्न भी इस तरह मनाएंगे कि आपको शादी का जश्न लगेगा। अच्छा शेले पकड़ काट और आना नहीं भूलना। Thank you.
ये छोटा सा नाम सुनकर गॉडफादर तुम्हें झटका क्यों लगा है? तुम्हारे साथ काला चीता यानी ब्लैक टाइगर बात करना चाहता है। ब्लैक टाइगर, समझता होगा कि तू बच गया है? नहीं, आज तुझे समंदर भी पनाह नहीं देगा और ना ही मैं तुझे मछलियों की खुराक बनने दूंगा। मैं तुझे समंदर के अंदर ही जला दूंगा। Thank you.
मरने लगा है और किस कदर दौलत साथ लेके चला है। हाथ हाथ दोनों खाली हैं। ये तो तुझसे पहले भी मरने वालों के हाथ खाली थे। अपनी कब्र की कसम खाकर बता कहां बाकी जिंदगी गुजारनी है। बता दे मेरी बीवी के कातिल कहां है। तेरी बीवी के कातिल? अरे मरते वक्त सारी जिंदगी के गुनाह बख्शवाने का एक ही तरीका है कि सच बोल दे। एक सोने रसूल का कलमा पढ़ के बता कि मेरी बीवी के कातिल कहां है। जन्नत में जाने का यकीन हो गया है। एक मछली ना पकड़ना, उस मगरमच्छ का जबड़ा तोड़ देना जिसे राजा सोने वाला कहते हैं। कैसी हैरानी, कैसी परेशानी, कदम क्यों रुक गए तेरे? ये चेहरा तेरे लिए नया तो नहीं? मेरे लिए तेरा ये रूप नया है। यह रूप भी तो तेरा ही बख्शा हुआ है। जुर्म और जुल्म के कॉलेज के एक प्रिंसिपल ने मुझसे कहा था कि उसे उन मजलूमों के साथ बड़ी मोहब्बत है जिनके हाथ में इंतकाम की तलवार हो और कातिल सहक सहक कर मर रहा हो। तेरा ये बदला बदला चेहरा और तेरी बदली बदली आवाज मुझे किसी तूफान के आने की खबर सुना रही है। अभी तूफान ने आना है। बाकी साइंस ने बड़ी तरक्की की है। अंग्रेज ने ऐसे ऐसे खतरनाक हथियार बनाए हैं जो दुश्मन को बड़ी आसान मौत मार देते हैं। अपना देसी हथियार अच्छा जो बंदे को सहका सहका कर मारता है। शेरदिल कर, तुझे कहा था ना, मेरा अकीदा, मेरा ईमान, मेरा कुरान किसी दूसरे खुदा को नहीं मानता। तेरे शीश महल को आज मैं तेरा मकबरा बना दूंगा। सच के गौर करने झूठ की एक कब्र और बना दी है।
पता नहीं कहां मर गई है। आज मैं इसका कैमरा ही तोड़ दूंगा। एमए पास, सत्यानाश, पता नहीं कहां से पढ़कर आई है। अब क्या हो गया है? नादिया बाहर निकल। आज तेरे गुस्से भरे चेहरे ने मुझे यकीन दिला दिया कि अब मुझे तेरी शादी नादिया से करनी पड़ेगी। शादी के बाद जैसी बर्बादी होती है वो बर्बादी तो मेरी पहले ही हो गई है। पर हुआ क्या? क्या बताऊं बाजी, उसने एक स्मगलर की गाड़ी का नंबर मुझे दिया। झूठा, बिल्कुल झूठा। तू अपने दिमाग को तो ठंडा। कैसे दिमाग को ठंडा करूं? आजी साहब के सामने बिला वजह बेइज्जत हो गया। ये सब आपके लाड प्यार का नतीजा है, जिसने उसको मेरे गले के लिए तलवार बना दिया। ओहो, ये तेरे गले की तलवार नहीं बल्कि तेरे गले का हार है। हार नहीं, जरूरत मुझे ऐसे हार की। प्लीज, पीले फूलों का हार, और आइंदा उसका नाम ना लीजिएगा मेरे सामने। हार तो मैं तेरे गले का ऐसे बनूंगी कि तू सारी जिंदगी मेरे प्यार से हारता रहेगा।
जवाल रे दिल शताल रे ले ले सजना चाहे तू मेरी जान रे दुत जवाल रे दिल शताल रे ले ले सजना मेरे पास अमानत तेरी मेरा रूप खजाना मैं चाहूँ सर हो ये तेरा बाहों का सरहाना कानों में रच खोल रही है तेरे प्यार की लोरी दिन दहाड़े लूट गई मैं नींद हुई है चोरी किया इश्क ने किया इश्क ने हाय बुरा हाल ओ मेरी माँ हुआ भिले बिना जीना मुहाल ओ मेरी माँ मोलिया मुझको सोने तूने नजर की फेंक के डोरी दिन दहाड़े लूट गई मैं नींद हुई है चोरी किया इश्क ने किया इश्क ने हाय बुरा हाल ओ मेरी माँ हुआ भिले बिना जीना मुहाल ओ मेरी माँ अचानक कैसे बन गया ये तो मुझे भी नहीं पता कि डैडी मुझे पहाड़ पर क्यों भेज रहे हैं तेरे लिए हर सवाल का जवाब पूछना जरूरी नहीं हलाकू तेरे लिए इतना ही काफी है कि तू मेरी जिंदगी को हिफाजत से हिल स्टेशन पे ले जा जी हम अपने खून से वफादारी की तारीख लिखकर जाएंगे गॉडफादर पापा जाओ बेटा खुदा हाफिज जिंदगी की आज छेड़छाड़ करना चाहते थे नहीं कौन कर सकता है मेरे दिल की छेड़छाड़ इनमें से किसी ना किसी की रगों में ब्लैक टाइगर का काला खून जरूर दौड़ रहा है पर हमें यकीन हो गया है कि गार्ड फादर तुम ही हो तो फिर बताओ तुम में से टाइगर का बेटा कौन है तू अपने बाप का भी बाप निकला है लगता है वो बाद में और तू पहले पैदा हुआ है गॉडफादर 23 घंटे 59 मिनट शैतान से दोस्ती
एक मिनट में खुदा याद आ गया है। ब्लैक टाइगर, मैं जालिम नहीं, तुझे तेरे बेटे का दीदार जरूर करवाऊंगा। ब्लैक हिल पर पहुंच जा। तू कहीं उसकी लाश लेकर तो नहीं आएगा? नहीं साबर, सालम जिंदा और सलामत लाऊंगा। फादर ने अपना वादा पूरा कर दिया है। वाह! पूरा क्यों ना करता? हमने कोई पहली बार आसमान को सजदा किया है? मूर्ति में से क्या ढूंढ रहे हो डिप्टी? सोच रहा था जिस हस्ती का यह मुजस्मा बनाया गया है उसने इस दुनिया को अपना कितना खून दिया होगा। हो सकता है कि इसने कई बेगुनाह इंसानों का खून पिया हो। मैं समझा नहीं। समझ के भी कुछ नहीं समझ सकता डिप्टी, इसलिए कि जिस वर्दी की चार दीवारी में तू कैद है इसकी दीवारें बड़ी गहराई तक खुदी हैं, जिसमें किसी मजलूम की आवाज नहीं जा सकती। ये कानून से कोई खास नफरत?
इसके साथ प्यार भी बहुत किया था डिप्टी। मेरी एक बात याद रखना, जिस दिन वक्त के घोड़े ने मेरे हाथ में अपनी लगामें पकड़ा दी, उस दिन मैं इस दुनिया के हर सालिम इंसान की एक ऐसी मूर्ति बनाऊंगा कि लोग कब्रों के अजाब से खौफ खा जाएंगे।
तेरे चांदी किरणों का सोना भैसा, धरती पे बिखरे हर दिन तू चांदी किरणों का सोना भैसा। मौसम सुहाना करे है शरारते, मौसम सुहाना करे है शरारते, बाहों में तू मुझे क्यों नहीं देता। आंखों की मस्ती सवाली बहकी है होंठ की डाली, सांसों की आंच मांगे जो मन को सोरा, जाने जा होवे तुरु तुरु तारा, जाने जा होवे तुरु तुरु तारा। Thank you.
जीते जी गॉडफादर नहीं मर सकता, नहीं मर सकता। जी सर, मरीज को होश आ जाए तो मुझे इतला कर दें। ओके सर। खतरे में है। किस जिंदगी की बात कर रहे हो डॉक्टर? मेरी जिंदगी तो मेरे पास है। कौन क्या जाने जिंदगी किसकी जिंदगी के सीने में बंद है। तेरे इस गुलाम की जिंदगी को लगी हुई वफादारी की हथकड़ी को अगर कोई तोड़ेगा तो फिर ही तेरी जिंदगी के बारे में कोई सोचेगा। God bless you। जिंदगी को शर्म आनी चाहिए थी जिसने मौत का भी कहना नहीं माना। तुमने गॉडफादर के सीने में बारूद भर दिया है, वो फिर भी बच गया, क्यों? तेरा क्या ख्याल है, तू मौत से बच सकता है? नहीं, अल्लाह की कसम है नहीं। हाँ, मैं भी दिल में अल्लाह अल्लाह कर रहा हूँ, तुझे भी अल्लाह याद आ गया है। वैसे गॉड फादर को मानने का बस एक ही तरीका है कि हम अछूत बन जाए। ओके। रुतबे से बहुत छोटा है। आपने जहालत का अंधेरा दूर करके हजारों इल्म के जुगनू पैदा किए हैं और मैं शायद अब भी रोशनी की तलाश में हूं। हजारों मजबूरों और गरीबों के घरों में चराग आप ही की वजह से रोशन है। रोशनी को रोशनी की तलाश है। इस गॉडफादर के सीने में एक पाप भी रहता है मैडम, और उस पाप की असल रोशनी उसकी बेटी है। बेटी की जवानी पाप की गर्दन पर वो तलवार होती है जिसको जमाने की हवा भी उड़ा सकती है, और बेटी की भूल भी। मैं समझी नहीं गॉडफादर,
मेरी बेटी से एक भूल हो गई है मैडम, प्यार की भूल। अगर उसे इज्जत से सुहाग का जोड़ा ना पहनाया गया तो मां बाप के लिए जिल्लत का कफन बन जाती है। गॉडफादर, अपनी ममता के चिराग को मेरी आंखों का नूर बना दे मैडम। इस घर की जन्नत का एक छोटा सा टुकड़ा मेरी बेटी के नसीबों में लिख दे, मैं आपका बड़ा एहसान मंद रहूंगा। अब मेरी बेटी को अपनी बेटी ना कहिए, सिर्फ ये कहिए मैं बारात लेके कब आऊं। हाँ जाने बेटियां क्या सोच के बनाता है, होती हैं जवान कहीं कोई ले जाता है। रब जाने बेटियां क्या सोच के बनाता है, होती हैं जवान कहीं कोई ले जाता है। किसी की भी लगे तुझे नजर नशाला, किसी की भी लगे तुझे नजर नशाला, जुग जुग दिए तेरा। जुग जुग जिए तेरा सहरे आए वहां बहारे। आए वहां बहारे जिस घर जाएगी अब तू अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सोनी लागे ये दुनिया जो नजर ना आए तू अल्लाह 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 प्यार करने वाले जमाने को शिकस्त देकर एक दूजे के हो गए हैं। ये सदी का आखिरी मौजा लगता है। सच्चा प्यार करने वालों के लिए तकदीर खुशियों के दरवाजे आप खोल देती है। जिस गॉडफादर ने हमारी जिंदगी कब्र की अंधेरी रात बना दी है, उसकी बेटी सुहाग की रात का मजा ले जाती तो हमारे लिए तो दोजख के दरवाजे भी बंद हो जाते। कोबरा, अपनी प्यारी तकदीर को चूम चूम के पागल हो जाऊं। गॉडफादर की शेरक भी हाथ में आ गई है और इस सुसन की बारात के दूल्हे भी हम बन गए हैं। टाइगर के पास कितनी
कठिनाई, वहां मातम भी होते हैं। चल। ब्लैक टाइगर, शट अप। ओह, आई एम सॉरी। यस सर, कैन आई हेल्प यू? वक्त बदला नहीं, घड़ी की सुई उल्टी चलनी शुरू हो गई है। शैतान जिंदाबाद, शैतान जिंदाबाद। हम सारे शैतान के पैरोकार हैं। हमने कोई अच्छी बात सोचनी भी नहीं, भले वो फरिश्ते के रूप में गॉड फादर न हो। गॉड फादर, बेटी तेरी हमारे कब्जे में और जान तेरी हमारी बंदूकों की नलियों में कैद। अब जो तू छलावा बनकर भी उड़ना चाहे तो नहीं उड़ सकता। हम चाहे तो यहीं पर तुम्हारी खोपड़ी में सुरंग बना दे, पर नहीं। नहीं कोबरा नहीं, हम कोई उल्लू के पट्टे तो नहीं कि जो झगड़ा जमीन के एक टोटे से शुरू हुआ था उसका हिसाब जाके आसमानों में लेंगे। ये हिसाब उसी जमीन पर होगा। लेट्स मूव। कैसी लगी है इस थप्पड़ की आवाज गॉडफादर? हाँ तो टपक रोशन हो गए होंगे। इसे टिकटिकी पे बांध दो,
ले जाओ। किंग, जिस सच ने हमें हमेशा जहर के घूंट पिलाए, आज हमने उस सच को सूली पे टंग दिया है। तुम्हें उसकी मौत का आखिरी मंजर दिखाने से पहले हमने एक बहुत बड़े जश्न का एहतमाम किया है। Thank you.
करूं। हो गए चुम चुमा चुम चुमा चुम सोनिया, बजे दिल दी गिटार ढिम ढुम सोनिया। इसे बुला रहा है, इसे जिंदगी के जलील बोझ से फर्क क्यों नहीं करते? या कोई फर्क किया है? हाँ, वादा ही तो है, इसे इसकी दुख्तर से मिलाने का वादा तो पूरा करो। सच्चे इंसानों के साथ किए हुए वादे हमेशा बुरे लोग ही पूरे करते हैं। ना 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 ये Thank you.
गॉड फादर तो सूली चढ़ गया है, अल्लाह इसे जन्नत नसीब करे। कोशिश करो कोशिश कि तू तो बाप कह दे। मैं इसकी एक ही बेटी होती तो इसको बाप जरूर कहती, मगर ये लाखों बेटियों का बाप है, इसे गॉडफादर ही कहूंगी। बताओ गॉडफादर, पिछले जमाने में भी गॉडफादर इसी तरह सूली पर लटक जाया करते थे? बताओ गॉडफादर, बताओ। हक सच, नबी सच, अली सच, खुदा सच, कल सच, आज सच, सच ने कभी सूली का माना ही नहीं। आज आज मैं तो पानी पानी हो गया। वैसे शर्म तो हमें आनी चाहिए थी और आ भी गई है, पर जुर्म की तारीख में जैसे शिमर, नमरूद, यजीद, फिरौन का नाम जिंदा है, हमारा नाम कैसे जिंदा रहेगा? अगर आज हमने सच्चे को नहीं मारा, वैसे सच्चे कभी मरते देखे नहीं। सच्चे तो हम हैं, हम हैं सच्चे, हम। देखो ये गॉडफादर कातिल है, कातिल, एक मासूम बेटी के बाप का, इस मासूम बेटी के बाप का। गॉडफादर जिसके सर पे हाथ रख के सारी जिंदगी बेटी कहता रहा है, बेटी, तौबा, तौबा, अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, उसके असल बाप के खून से हाथ रंग के इसे क्यों यतीम किया था? सवाल कर इस गॉडफादर से। हम ये कहानी इसी की जबानी सुनना चाहते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। मेरे बाप का कातिल ही हो सकता, ये कैसे हो सकता है? बताओ गॉडफादर, तुम मेरे बाप के कातिल हो, बताओ गॉडफादर, बताओ, बताओ गॉडफादर, बताओ। तेरी सच्चाई आज पसीना बनकर तेरे पांव क्यों धो रही है गॉडफादर? इसकी चुप तेरे सवाल का जवाब है। ये पकड़ ये खंजर और मार इसकी शहरग में, ताकि कल का मोरख अपनी तारीख में ये लिख सके कि सारी जिंदगी इंसानों के दिलों पे राज करने वाला उसके हाथों से मरा जिसे उसे अपने हाथों में पाल कर जवान किया था। हाँ, यकीन सा गया है गॉडफादर कि तू ही मेरे बाप का कातिल है। हाँ। अगर तुझे यकीन आ ही गया है तो फिर मैं तुझे धोखे में नहीं रखूंगा कि मैं तेरे बाप का कातिल नहीं। वाह वाह गॉडफादर वाह, मुझे अपने प्यार के झूले झुलाए, ममता की लोरियां सुनाई, मेरी जिंदगी की हिफाजत अपनी जान से बढ़कर की, मेरे प्यार को इज्जत का सुर्ख जोड़ा पहनाकर, अपने दिल से खून के आंसू छिड़काकर मुझे घर से विदा किया। अगर इसके बावजूद भी तो ही मेरे बाप का कातिल है तो फिर ये कातिल बाप कबूल है? कबूल है ये कातिल बाप? कबूल है? कबूल है?
आखिर गॉड फादर था ना, मनमानी करने से बाज नहीं आया। तूने मेरी गुलामी कबूल नहीं की ना, जा मैं भी तेरी गुलामी अगले जा भी कबूल नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। कौन गॉड फादर? पर सच गॉड फादर है, तू गॉड फादर नहीं। अगर तुमने इन शैतानों को मार दिया तो मैं तुम सबको मार दूंगा। इन शैतानों ने हक्सा को चूली चढ़ाने के लिए बड़ी चूलियां बनाई है और मैं इन चूलियों पे एक एक शैतान को टांग दूंगा, सारे टांग दूंगा। आज मैं सोने रब का हुक्म पूरा करूंगा, सुन्नत इब्राहिम पूरी करूंगा। जब तक शैतानों को कंकर न मारे हज नहीं होता। हमें पहला पत्थर वो मारेगा जिसने जिंदगी में कोई गुनाह न किया हो। ऐसा ही होगा जुल्म की इंतहा करने वालों, पहला पत्थर तुमको मासूम ही मारेगा। शैतान ही जन्म लेते हैं, हमारी और शैतानों की अभी जंग जारी है।